नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। वॉर जोन से आ रही अहम खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी गोल्डन हाइट्स की, जहां पर TV9 भारतवर्ष पहुंचा है। जी हाँ, इसराइल लेबनान सीमा पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम है, जहां IDF हिजबुल्ला में झड़प होती है वहां पहुंचा है TV9। पहली बार कोई न्यूज चैनल पहुंचा है गोलान हाइट्स, और लेबनान इसराइल के बीच जंग की असली वजह है गोलान हाइट्स, जहां पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। तो पहली बार कोई टीवी न्यूज चैनल पहुंच गया है गोलान हाइट्स। जी हां, वो जगह दरअसल गवाह है, जहां पर इसराइल की डिफेंस फोर्स, इसराइल की सेना और लेबनान का जो नॉन स्टेट एक्टर है जिसे हिजबुल्ला कहा जाता है, वो विद्रोही संगठन जो लगातार इसराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है, यहीं पर ही सबसे ज्यादा झड़प होती है गोलान हाइट्स में। सुमित चौधरी की ताजा रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। इस समय हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के क्या हालात हैं। देखिए, ये आखिरी बंकर्स हैं, खासतौर पे जिनको UN की फोर्सेस ने मेंटेन रखता है, और वो सामने लगातार मैं आपको दिखा रहा था कि इस ब्लू लाइन पर या इस ब्लू डिमार्केटेड लाइन के पास ही हम लगातार चल रहे हैं। इस पूरे इलाके को फेंसिंग से कैसे कवर किया गया, ये भी मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए, ये है पूरा एरिया, और इसी एरिया के बीच में जो आपको टावर नज़र आ रहे हैं, ये इजरायली की फोर्सेस, यानी बिल्कुल सामने कुछ ही मीटरों की दूरी पर आपको इजरायल की फोर्सेस सामने नजर आ जाएंगी। और यहीं पर मौजूद हैं हम, जहां से अब आपको रिपोर्ट करके बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय के यहाँ ताज़ा हालात क्या हैं। और ये वो इलाका है जहां से सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ आप आर्टिलरी शेल से फायर किया जा रहा है, और दोनों तरफ से इस तरीके की फायर चल रही है। और इस इलाके को कैसे फेंसिंग से कवर किया गया है, ये भी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो है IDF की 471 पोस्ट नंबर, जो यहाँ पर लगातार मॉनिटर, उसके बाद बीच में अगर आप देखें, हालांकि ये चट्टान के पीछे छुप गई है, वो है 472, और थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो, और ये 4713 पोस्ट नंबर है। और ख़ास बात ये कि ये सारा इलाका जो है, इन चट्टानों के बीच का इलाका जो है, अब इस समय हम यहाँ खड़े हैं, यानी ये बॉर्डर एरिया है जहाँ से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि इस समय यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं, यहाँ पर लगातार जो चीज़ें बदल रही हैं, जो चीज़ें हैं वो किस तरीके की हैं। वैसे माना जाए जो ब्लू लाइन है उसको डिसएंगेजमेंट लाइन के तौर पर जाना जाता है। 130 किलोमीटर की ये लाइन है, जिसमें करीबन 13 से 14 ऐसे कन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं जिस पर लगातार ऐसे हैं। और इसी वजह से इन कन्फ्लिक्ट एरिया को मेंटेन रखने के बाद से लंबे समय से 1978 से ही यहाँ पर यूनिफिल की टीमों को डिप्लॉय कर दिया गया था। इनकी संख्या उस समय 4000 थी, लेकिन अब इनकी संख्या को में इजाफा कर दिया गया, करीबन 10000 से ज़्यादा यूनिफिल की जो टीमें हैं, यानी करीबन 46 से 47 ऐसे देश हैं जो अपने आर्मी को, अपने कंटीजेंट्स को यहाँ पर भेजते हैं, और उन्हीं की टीम यहाँ पर लगातार इन इलाकों को मॉनिटर करती है, इनकी सिक्योरिटी पीस कीपिंग के लिए काम करती है। और ऐसे ही पोस्ट पे आए हैं जिसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना के पास इस समय मौजूद है। ये साउथ, आप कह सकते हैं साउथ लेबनान के ईस्ट का, यानी सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है साउथ लेबनान का, उसका ये आखिरी पॉइंट है, आखिरी ऐसा पॉइंट जो गोलान हाइट्स के में है। और देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा टीवी चैनल, यानी ऐसा नेटवर्क जो अकेला इस समय यहाँ मौजूद है, और हम आपको यहाँ की रियल पिक्चर, रियल सिचुएशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस समय ताज़ा हालात क्या है, जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जिस तरीके से जो चीज़ें बदल रही हैं उसके अंदर यहाँ पर ताज़ा हालात क्या हैं। क्योंकि हम रोज़ ऐसी खबरें सुनते हैं, ऐसी खबरें देखते हैं कि लगातार IDF की तरफ से या फिर दूसरी हिजबुल्ला की तरफ से इनिशिएट किया जाता है एक दूसरे पर अटैक, लेकिन उस एरिया में हम लेकर आए हैं आपको जो इसे इस समय हॉट बेल्ट है, या फिर आप कह सकते हैं इस समय इस पूरे एरिया के अंदर सबसे ज्यादा आप फायर फाइट चल रहा है। तो गोलान हाइट्स से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की। और देखिए, गोलान हाइट्स पर इजराइल का दावा, गोलान हाइट्स पर इजरायली सेना तैनात, कभी भी शुरू हो जाती है इजरायली गोलीबारी, गोलान हाइट्स में भारतीय सेना भी तैनात है, UN की तरफ से भारतीय सेना की यहां पर तैनाती, इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय सेना का बड़ा योगदान।
इस समय टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आ पहुंची है गोलान हाइट्स के इलाके में। हम इस समय ब्लू लाइन पर मौजूद है और अगर आप देखें कि इस समय यूनिफिल की जो टीम है जिसको इंडियन कंटिजेंट संभाल रहा है, इंडियन आर्मी के लोग, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, हम इस समय वहां मौजूद हैं और मैं आपको सबसे पहले लिए चलता हूं इस समय उस ब्लू लाइन के ऊपर, उस जगह पर जिसे डिसएंगेजमेंट लाइन भी आप मान सकते हैं, और उस इलाके में जो गोलान हाइट्स का इलाका सबसे ज़्यादा इस समय टारगेट एरिया में है। और देखिए मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ, हमारे साथ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ओवरव्यू। आप देखें कि ये पूरा इलाका, आप इस बॉर्डर एरिया को आप समझ सकते हैं, इस बेसिकली डिसएंगेजमेंट लाइन को आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का ये इलाका है। और अगर आप देखें हमारे साथ इस समय सहाय सर आए, सो अभी अब जहाँ मौजूद हैं हम लोग, ये ब्लू लाइन कौन सा एरिया है और ये समय पूरा गोलान हाइट्स के इलाके के बारे में अगर आप हमें बताएं। ओके, सो दिस पोस्ट इज UNB 4-7 चार्ली। नाउ लेट मी शो यू द अलाइनमेंट ऑफ ब्लू लाइन। टू द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर यू कैन सी द फर्स्ट ब्लू पिलर, दैट इज ब्लू पिलर नंबर 1। इन सेंटर यू कैन सी ब्लू लाइन पिलर नंबर 2 एंड टू द राइट कॉर्नर यू कैन सी अनदर पिलर, दैट इज ब्लू पिलर नंबर 3। ओके, सो द अलाइनमेंट स्टार्ट फ्रॉम पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, pillar number 3, and then further if you go towards the top, you can see few bungas there. Yes. It further go that side and runs further towards the west. Okay. यानी आपको मैं बताने की कोशिश करूं सरल भाषा में, मेरे कैमरा पर से निशान तक लाएं तो आप ये देखिए, ये जो पूरा डिमार्केशन है पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं, ये है आपका पूरा ब्लू लाइन एरिया। जिस समय जिस जगह हम खड़े हैं गोलान हाइट्स में, ये समय यूनिफिल की जो पोस्ट है, यानी जो यूनाइटेड नेशन की जो पोस्ट है, जो यहाँ पर सेंटिटी या फिर आप कह सकते हैं कि जो पीस मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है या फिर यहाँ पर जो रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग करने के लिए मौजूद है, उस पोस्ट पर हम मौजूद हैं। और वो इलाका, वो सामने जो आप देख रहे हैं, वो है इसराइल की पोस्ट, इसराइल की पोस्ट नंबर 471 है। इसके अलावा सामने जो आप देख रहे हैं वो है 472, हाँ 472, आप देखिए मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, वो है 472, 4712 और वो है 4713। देखिए, और ये तीनों, इस तीनों पोस्टों को घेर कर, यानी बीच में बैठे हैं यूनिफिल की टीम जिसको इंडियन कंटिजेंट, इंडियन आर्मी के हमारे ऑफिसर्स ने संभाला हुआ, जिनका काम है इस सिचुएशन की सारी मॉनिटरिंग, इस सिचुएशन की सारी जानकारियां लगातार पहुंचाते रहना, यहाँ की सेंटिटी मेंटेन रखना। और ये भी जिम्मेदारी है कि अगर इस इलाकों में, बॉर्डर एरिया में किसी को कोई ज़रूरत महसूस होती है मेडिकल की या किसी भी चीज़ की, तो उसको वो भी मुहैया कराना। सर अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अभी हम जिस जगह मौजूद हैं, हालांकि देखिए लगातार आप ऐसे वॉर जोन में, इमर्जिंग वॉर जोन में हैं जहां पर चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? माय मेन टास्क इज़ टू मॉनिटर द सिचुएशन एंड रिपोर्टिंग। प्रेजेंटली वी मॉनिटर द सिचुएशन ऑफ ऑल द हॉस्पिटलिटीज एंड साइमल्टेनियस रिपोर्टिंग इज द मेन टास्क व्हिच इज गिवन टू अस। ठीक है, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आइए मैं अगर आपको दिखाऊँ तो और आपको क्लियर पिक्चर, वो है IDF की फोर्ट, यानी आपको जो मैं 471 बता रहा था वो IDF की फोर्स है गोलान हाइट्स की, जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। और मेरे ये जो, ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं, देखिए लगातार जो फेंसिंग की गई है, यह है ब्लू लाइन एरिया। और इस समय गोलान हाइट्स के इस इलाके में हम जहाँ मौजूद हैं, इसी के बाद आपको ये इसराइल का एरिया पड़ जाएगा। दरअसल इसराइल और साउथ लेबनन के बीच में ये डिसएंगेजमेंट लाइन डिसाइड हुई थी, जिसे हम ब्लू लाइन के नाम से कहते हैं, और यही एक तरीके का बॉर्डर एरिया है, यही डिमार्केशन है बॉर्डर को लेकर, कि आपको डिसएंगेजमेंट के तहत लेबनन को इस तरफ रहना और IDF को, यानी इसराइल की फोर्सेस को, इस लाइन के उस तरफ चले जाना। लेकिन अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ से लगातार इनिशिएट कर रहा है, किया जा रहे हैं अटैक्स को लेबनन के ऊपर, और वहाँ से अटैक को किया जा रहा है। तो ये सारे एरिया के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इस समय हम मौजूद हैं गोलान हाइट्स के उस इलाके में जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और ये वो इलाका है जहाँ पे यूनिफिल की टीमें और ख़ासतौर पर जो इंडियन आर्मी की जो कंटीजेंट है, उसने इस इलाके को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि यहाँ की मॉनिटरिंग और यहाँ की सेंटिटी या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर पीस मेंटेन रह सके।